तो कभी कभी क्या होता है हमारे लैपटॉप में इसका टच पैड काम नहीं करता, जो ये टच पैड है इसका ये काम करना बंद कर देता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि कभी कभी हमसे कोई गलत की प्रेस हो जाती है या कोई सेटिंग में गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से ये टच काम नहीं करता है। जैसे हमारा इसका ये टच काम नहीं कर रहा है, ये बाकी सारे काम हो रहे हैं इसमें, कीबोर्ड भी काम कर रहा है इसका, लेकिन इसका जो ये टच है ये काम नहीं कर रहा। अगर आप इसे अलग से इसमें जो माउस कनेक्ट करेंगे तो इसमें ये वो तो काम कर रहा है, बट इसका लैपटॉप का अगर आपका टच काम नहीं कर रहा है। इसे ठीक करने के लिए जो आपकी डिसेबल की है उसे इनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपकी लैपटॉप में HP का लैपटॉप तो यहाँ पर आपको रेड या ग्रीन कलर की लाइट दिखाई दे रही होगी, इसके पास आप इसे इनेबल करने के लिए इसके पास जो आपको ये टच दिखाई दे रहा है इस पर आप दो बार क्लिक करेंगे, मैं लग सकता है आपका अब ये हमारा इनेबल हो गया है। तो ये बहुत ही आसान है, अब ये हमारा टच काम आसानी से कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आपका भी टच काम नहीं कर रहा, किसी तरह से ये लॉक हो गया है, तो आप यहाँ से इस की से जो यहाँ पे जो ग्रीन लाइट जलती है, आपका कोई और कंपनी का लैपटॉप तो उसके आसपास ऐसी की हो सकती है, आप यहाँ टच करेंगे दो बार तो ये इनेबल हो जाएगा।